अस्सलाम वालेकुम। इसी दुआ उम्मीद के साथ जहाँ कहीं रहें खुश रहें या बाद रहें। तो आज हम बनाएंगे डापा स्टाइल में और रेस्टोरेंट स्टाइल में आप कह सकते हैं चने की दाल, बहुत मज़े की। और आप बाज़ार की दाल को भूल जाएंगे, घर पर बनाएं फ्राई दाल आप इसको भी कह सकते हैं। और डिफरेंट तरीके से मैंने ये दाल बनाई है, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इसके साथ आप रायता बनाएं और तंदूर की रोटी के साथ बहुत मज़े की लगती है, तो गर्मियों में और भी ज़्यादा मज़े की लगती है। और दूसरा, आप चने की दाल इतनी मज़े की है कि आप गोश्त की रेसिपी को भूल जाएंगे। तो यहाँ चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल शामिल किया है, तकरीबन 2 चम्मच भरकर मैंने डाल दिए हैं। और इसके अंदर हम साबुत गोल मिर्चियाँ डाल देंगे और साथ में ही 1 चम्मच ज़ीरा, मैं छोटा चम्मच ज़ीरे का डालूँगी। और इसका लगाएँगे हम तड़का। जब तड़का हमारा तैयार हो जाएगा तो इसी के अंदर हम डाल देंगे प्याज। तो जब आप प्याज शामिल करेंगे इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आती है ज़ीरे की, और जो मिर्चें इसके अंदर शामिल की हैं और प्याज की, जब ये पकने लग जाएगा कलर इसका ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर बाकी के मसाले डालेंगे। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी जब प्याज ज़ीरे के साथ पक रहा था, एक डिफरेंट सी खुशबू आ रही थी। तो साथ जब प्याज ब्राउन हो गया तो इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं टमाटर, चॉप किया हुआ टमाटर डाले हैं, एक भी आप बड़े साइज़ का डाल सकते हैं, इसका पेस्ट भी आप शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर टमाटरों को पकाने के बाद दाल शामिल करेंगे, फिर दाल को इसी मसाले में फ्राई करेंगे। मसाले जाएंगे काली मिर्च, दड़ा मिर्च, सूखा धनिया, गर्म मसाला और लहसुन अदरक का पाउडर और साथ में नमक। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल करेंगे और इसकी करेंगे भुनाई। और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट कवर करके लो फ्लेम पे रख देंगे। जब ये घी ऊपर आ जाएगा इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसको खोलेंगे हम, तो ज़बरदस्त सी हमारी दाल तैयार है। तो अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो इसी स्टेज पे आप दही भी शामिल कर सकते हैं और इतना पकाएं कि दही का पानी ड्राई हो जाए। ज़बरदस्त सी हमारी चने की दाल तैयार है, बहुत मज़े की, जूसी और स्पाइसी। नान के साथ आप खा सकते हैं, तंदूर की रोटी के साथ साथ में रायता बनाएं, ज़बरदस्त सी दाल तैयार है। तो आप ज़रूर बनाएं और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी ये वाली बहुत इजी रेसिपी है, और आप बनाएं और घर वालों को भी ट्राई करवाएं, इंशाल्लाह उनको भी पसंद आएगी। और कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, इंशाल्लाह आपके साथ नई रेसिपी शेयर करूँगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर किया करें। तो यहाँ पर मैंने चेक भी की थी, बहुत मज़े की थी माशाल्लाह। और ये देखें इसका कलर क्या ज़बरदस्त था, और ग्रेवी भी बड़ी ज़बरदस्त सी इसी तरीके से बनाने से आई है दाल को फ्राई करने से। इंशाल्लाह आपके साथ नई रेसिपी शेयर करूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।